तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो यार, डीमन एम्परर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 261 का पार्ट 2। तो आगे शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, इंपीरियल कैपिटल में हमारी ल्यूक लेन को 8वीं बड़ी फैमिली बनाने की तैयारियां चल रही होती हैं। इसे देखने के लिए छुप करके एम्परर का सबसे छोटा यंग मास्टर भी आया होता है। उसी वक्त हमें क्राउन प्रिंस को भी दिखाते हैं, साथ ही उनका छोटा भाई सेकंड यंग मास्टर भी आया होता है, जिसके बाद उन दोनों भाइयों में वही एम्पायर की गद्दी के चक्कर में बहस हो रही होती है। तो अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में सेकंड प्रिंस क्राउन प्रिंस से कहता है, बड़े भाई, जो चीज मेरी है उसे तो मैं किसी भी हाल में ले ही लूंगा। तो अब इधर दोनों भाई इस तरीके से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे उन लोगों का एक और छोटा भाई आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि एल्डर ब्रदर और सेकंड ब्रदर, आप लोगों को एक साथ देखे हुए काफी सारी साल बीत गईं और सच में उस वक्त मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा मिस किया। इधर सेकंड यंग मास्टर मुड़ करके अपने उस भाई को देखता है तो उसके तो मुंह के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और वो कहता है कि हे भगवान, इस सुगर ने अभी तक इंपीरियल कैपिटल को नहीं छोड़ा है, आखिर वो यहाँ वापस क्या कर रहा है। जबकि दूसरी ओर क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया होगा, इसीलिए हमारे इंपीरियल फादर ने इसे वापस बुला लिया। फिर क्राउन प्रिंस आगे बोलते हुए कहता है कि 8वें नोवल हाउस की अवार्ड सेरेमनी के साथ तीसरे यंगर ब्रदर की उपस्थिति का भी होना काफी ज्यादा अनिवार्य है। इतना कहकर के क्राउन प्रिंस जल्दी से हंसते हुए आगे बढ़ता है और अपने थर्ड ब्रदर को वेलकम बैक करते हुए गले मिलने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हमारे क्राउन प्रिंस के थर्ड ब्रदर को दिखाते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इसको तो पहले ही देखा होगा। तो अब हमारे थर्ड ब्रदर जल्दी से अपने बड़े भाई क्राउन प्रिंस के पास आते हैं, आकर के उसके ऊपर लदते हुए उसको अपने गले लगा लेता है। इसके बाद तो भाई क्राउन प्रिंस के आधे प्राण तो यही निकल गए होंगे, क्योंकि भाई हमारा थर्ड ब्रदर है ही इतना ज्यादा मोटू। तभी क्राउन प्रिंस की ऐसी हालत देख उन्हें देख रहे लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड क्राउन प्रिंस, क्या आप ठीक हैं। इधर दूसरी ओर क्राउन प्रिंस के एक्सप्रेशन तो काफी ज्यादा बुरे होते हैं, मगर लेकिन वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आफ्टर ऑल मैं अपनी कल्टीवेशन में बोन टेम्परिंग राउंड की 9th लेयर स्टेज पर हूँ। सो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने खुद के यंगर ब्रदर को भी होल्ड करके ना रख पाऊं। उसके बाद जैसे ही हमारे क्राउन प्रिंस थर्ड प्रिंस को होल्ड करने की कोशिश करने लगते हैं तो उनके नीचे की जमीन भी वहीं से टूटने लगती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई थर्ड ब्रदर से कहते हैं, ओल्ड थर्ड ब्रदर, क्या आप और भी ज्यादा हैवियर हो गए हो। फिर थर्ड ब्रदर भी कुछ देर सोचते हुए कहता है, अभी जस्ट लास्ट मंथ मैंने अपने वेट को नापा था, तब मैं 375 किलो का था, लेकिन इस वीक जब मैंने अपने वेट को फिर से नापा तो अब मैं 400 किलो का हो गया था, बस यही कुछ मेरे अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया है, और ये सब मेरी इतनी ज्यादा चल रही ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। इधर दूसरी ओर ये बात सुनकर के तो वहाँ खड़े सभी लोगों की बोलती वहीं पे बंद हो जाती है, जिसके बाद वो लोग अपने मन में कहते हैं कि तीसरा प्रिंस तो सच में एक 8वां अजूबा है, इस जैसा मोटा आदमी इस दुनिया में आखिर और कहाँ मिलेगा। दूसरी ओर हमारे थर्ड ब्रदर ने भी क्राउन प्रिंस को जोरों से गले लगाया हुआ होता है। इसके बाद क्राउन प्रिंस उससे कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, क्या तुम पहले मेरे ऊपर से नीचे उतर सकते हो। सुन थर्ड प्रिंस भी कहते हैं कि बड़े भैया, आखिर ऐसे ही रहने में क्या गलत है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अगर थोड़ी देर और तुम मेरे ऊपर ऐसे ही रहे तो कुछ हो ना हो मेरी कमर जरूर टूट जाएगी। तभी इसके बाद फिर थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस के ऊपर से उतर आता है और कहता है कि देखो, हेल वैली के लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही फिर हम लोगों को हेल वैली के लीडर और उनके सभी एल्डर्स को आते हुए दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस भी उनके एल्डर्स को देख करके कहता है कि ये हैं हेल वैली के 4 वेनरेबल्स, मगर पहले ये 5 हुआ करते थे। इधर दूसरी ओर क्राउन प्रिंस हेल वैली के सभी एल्डर्स और उनके लीडर को वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहते हैं, वैली लॉर्ड, काफी टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए। तो हमारे क्राउन प्रिंस के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।